करो तो लटक गया वाकई में। चल ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल, अरे चढ़ना ऊपर। क्यों गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के 5:30 हो रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं पार्क घूमने के लिए। और मैं, डुक्कू, सोना, हम चारों जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर कितना उजाला हो रखा है 5:30 बजे की सुबह सुबह। देखो सुबह के 5:30 हो रहे हैं, कितना उजाला हो रहा है, जैसे सुबह 8-9 बजे होता है ना, कितना उजाला हो रखा है। देखो हमारे सामने मंदिर है, मंदिर में पूजा हो रही है सुबह सुबह, पंडित जी पूजा कर रहे हैं। देखो परू को देखो, जबरदस्ती उठाया से उठने दी थी उन्होंने चलने के लिए। कोई बात नहीं, चलते रहे, चल रहे ना, आके सो जाइए। शूज तेरे को और दिला देंगे आज। इसके लिए शूज ना एक्चुअली शनि मंदिर में रह गए, इसके लिए शूज लाने पड़ेंगे। तो देखो 5:30 बजे हमारे घर में मेड आ जाती है, सुबह सुबह सफाई हो रही है हमारी। रोज 5:30 बजे हमारे घर में सफाई हो जाती है, 6 बजे तक तो सफाई हो जाएगी, सारे बर्तन धुल जाएंगे हमारे घर में, पर हम लोग सारे सोते रहते हैं। तो डुगू ने अपनी बॉल ले ली है, सोना ने पानी की बोतल ले ली। तो हम सारे पार जा रहे हैं, डुगू रेडी है फुटबॉल लेके, डुगू का आज मैच है, फुल मैच। बाय। एक्सेस करो जाली उसके ऊपर से। जाएगी लगना जाए इसके, आ जा ले, आ जा ना तू। करू तो लटक गया वाकई में। चल ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल, अरे चढ़ना ऊपर। क्यों अच्छा हो गया, पर झूले लग जाएंगे ना, पार्क अच्छा हो जाएगा बढ़िया। हम मौसमी का जूस पियेंगे, बच्चों के लिए जूस बनाएंगे, बढ़िया जूस बनाते हैं बढ़िया वाला। सोना पर रुकू पी रहे हैं मौसमी का जूस, अच्छा है ये भैया बनाते हैं प्योर जूस। अरे डुकू इधर देख, इधर इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फीवर आ रहा है, तो दो है ना। तो गाइस पार्क से हम घर आ गए, पर डुकू की तबीयत ना थोड़ी ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर पे ले जाना पड़ेगा, उसको फीवर आ रहा है, 2 दिन हो गए, कफ कोल्ड हो रहा है, तो मेडिसिन भी दिया पर आराम पड़ नहीं रहा, तो उसको देखते हैं आज लेके जाएंगे, क्लिनिक खुलेगा तो उस पर लेके जाएंगे, फिर दिला के लाते हैं इसको मेडिसिन। तो कमज़ोर हो गया काफ़ी 2 दिन में ही,
सो गाइस अभी हो रहे हैं सुबह के 8:20 और हम देख सकते हैं ये जो लोग चोट से सुबह पार्क के लिए निकले थे इतनी खुशी से वो अब घर आके सो रहे हैं। आपको दिखाती हूं, ये देखिए और दिखाती हूँ। और ये दीदी और डुकू मजे से यहाँ पर सो रहे हैं। तो भाई पार्क से आए थे तो थक गए थे तो एक डेढ़ घंटे के लिए सो लिए। तो अभी मैंगो शेक बनाया है सोना ने सबके लिए, मैंगो शेक पियेंगे। मम्मी ने बनाया सोना की मम्मी मैंगो शेक, तो मैंगो शेक पियेंगे। डुकू अच्छा है मैंगो शेक, डुकू भाई अच्छा है। कैसा है, मस्त है ना? ड्राई फ्रूट डाले हैं इसमें बढ़िया से। भाई देख लो परू को अभी तक सो रही है, देख लो हमारी वीडियो बना रही थी पार से आके सो गए हम तो, एक थोड़ी देर सोए थे उसके बाद खुद सो रही है। देख ओ कुंभकर्ण, परू कुंभकर्ण उठ जा, उठ जा उठ जा। क्या मॉकटेल बना के लाइए, देखना है क्या मॉकटेल बना के लाइए। देखो इसमें बर्फ है, बर्फ है और पानी है। क्या बर्फ का पानी नहीं पीता कैसा है? तो गाइस देख लो प्रैंक कर रही है मेरे साथ। गाइस देखो इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज इसको फीवर आ रहा है दो दिन से और ना इसको देखो कफ कोल्ड हो रहा है, सुस्त हो गया ये। आ जा गाइस को हेलो कर दो गाइस को हेलो। तो गाइस ये सोना मेरे लिए कुछ लेके आई है बना के, आप अभी देखेंगे थोड़ी देर में। मैं गाइस को दिखा दे, देखिए आगे बंद करो गाय ने प्याज में ना और चॉकलेट लगा खिला दिया, देखने में लग रहा था गुलाब जामुन है। गाय देख लो इसको, देख लो मेरा सेल्फी स्टिक ले रहा है और मानता नहीं है। खोलना बंद करना सीख गया ये, अपने आप खोल लेता अपने आप बंद करता है। तो गाइस ये है मेरा प्यारा प्यारा डुगू, मैं हूँ इसका प्यारा प्यारा पापा। हम दोनों की जोड़ी है अच्छी। डुगू को प्यारी लगती है मच्छी। तू हंसता रहा कर सुस्तू राम, उसको थोड़ी सी दवाई पिलाई है तो इसको थोड़ी सी एक्टिव थोड़ा सा। तो गाइस आज कंपटीशन होने वाला है बहुत तगड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ हो रहा है ईटिंग वाटरमेलन चैलेंज। ये परू उर्फ भीम और सोना उर्फ अर्जुन, तो भीम और अर्जुन के बीच में होने वाला है। और उसमें कोई गधा और कोई त्रिशूल काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के हाथ पीछे रहेंगे और खाली मुंह चलेगा इसमें। तो चैलेंज स्टार्ट होने वाला है। 1 2 2 अच्छा आप क्या सोच रहे हो, क्या कैसा फील कर रहे हो अभी आप तरबूज को देख के? मैं बहुत सारा एक्साइटेड हो। 1 1 रुक जा, कोई नहीं खाएगा। 2 गो, ओए हाथ से नहीं खाना, हाथ नीचे रखो खा लिया इन्होंने, जा बराबर खाओ, चैलेंज खराब कर दिया, पर खाओ कोई बात नहीं जो खाएगा।
परु को खाने का बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। नहीं आप परु की तरह खाओ, परु ऐसे भी जीत चुकी है। तो परु इस कंपटीशन को जीत चुकी है 100%। परु अपनी थाली दिखाइए आगे आके। तो देखिए आप परु की थाली, परु की थाली में तरबूज का नामो निशान नहीं है। अभी बस चलता परु का, तो परु इसको छिलके को भी खा जाती। क्लैपिंग परु के लिए, ये। तो गाइज परु कंपटीशन जीत चुकी है, परु मांग रही है अपना गिफ्ट। तो आज हम इसको दिलाएंगे जूते, शूज। अरे तो जरूरत की चीज़ दिलाई जाती है, बिना जरूरत के देंगे तो फायदा क्या उसका। दुबू क्या हुआ बेटा, हैं? हाँ चलें, चल दवाई दिला के लाता हूँ। चल और चल दिया तू भी, चल इसको दवाई दिला के लाते हैं। भाई आप देख के बताओ मेरी शक्ल गंदी हो रही है क्या? मेरे को तो अच्छी लग रही है। अरे दाढ़ी रख रखी है, ठीक है। पहले मैं क्लीन शेव रहता था, अब दाढ़ी रखने लग गया हूँ। जैसे हमारे पिताजी बोलते हैं क्लीन शेव करो, क्लीन शेव करो। तो गाइज 11:15 हो रहे हैं और हमारे लिए भी वाटरमेलन आ चुका है। अब हम वाटरमेलन खाएंगे, फिर उसके बाद डुकू को लेके जाता हूँ, इसको रामदेव का वहाँ से मेडिसिन दिला के लाते हैं। रामदेव की नहीं, रामदेव का वो है ना, क्या बोलते हैं, पतंजलि, तो वहाँ से इसको दिला के लाते हैं। तो गाइस हम लोग लेके आए हैं डुकू की दवाई, पतंजलि से लेके आए हैं। हमने पुड़िया वगैरह दी हैं, उनको मिक्स करके बनाना है। तो गाइस डुकू की ये दवाई तैयार हो गई है, इसको मिक्स करेंगे। सारी दवाइयाँ मिक्स कर दी है, अब इसी पुड़िया बनाएंगे। पुड़िया बना के फिर डुकू को सुबह शाम देनी है। सो जा रे बाबू रे, सो जा रे बेटा रे, बाबू रे बेटा रे, डुगू रे सो जा मेरा प्यारा प्यारा राजा बाबू, सो जा मेरा प्यारा प्यारा डुगू बाबू, सो जा मेरा प्यारा प्यारा राजा बाबू, सो जा मेरा प्यारा प्यारा डुगू बाबू, राजा मेरा प्यारा बेटा राजा बाबू, प्यारा बेटा डुबू बेटा राजा बाबू। तो सीताफल की सब्जी, रोटी, सलाद और छाछ ये खाएंगे, फिर चलते हैं ऑफिस के लिए। तो गाइस दोपहर के 2 बज गए हैं और मैं हो गया हूँ लेट, मेरे को 2 बजे ऑफिस पहुँचना होता है। और फिर अब निकलते हैं, क्या करें, 2:30 बजे तक पहुँचेंगे। तो निकलता हूँ ऑफिस के लिए, सोना को भी छोड़ना है कोचिंग, तो इसको रास्ते में छोड़ता हूँ, फिर निकलूँगा। तो गाइस रात के 11:45 हो रहे हैं और सोना पर कई दिन से पैटीज के लिए कर रहे थे खाने के लिए, पर मैं रात को लेट आ रहा था, मिल नहीं पा रही थी। तो आज मैंने सोचा इनको सरप्राइज देते हैं और इनके लिए पिज़्ज़ा मैंने ऑफिस में ही मंगा लिया था, मतलब 10 बजे मंगा लिया था। और आते आते 11:45 हो गए, तो फ्रेश पिज़्ज़ा है बिल्कुल, तो इनको दिया है। अभी खोलते हैं, कैसा पिज़्ज़ा आपको दिखाते हैं। तो भाई ये देखो, ये हमारे ऑफिस के पास में एक पिज़्ज़ा शॉप है, तो रीजनेबल रेट पे वो लोग पिज़्ज़ा देते हैं, बड़ा अच्छा पिज़्ज़ा देते हैं। एक्चुअली मैं ऑफिस में दिखाने वाला था तो, पर लेट हो रहा था तो मैंने ऑफिस में खोला नहीं। और बड़ा पिज़्ज़ा ना वो एक्चुअली आता नहीं, बड़ा पिज़्ज़ा तो और भी अच्छा है, वो काफ़ी बड़ा आता है, पर वो बाइक पे आ नहीं पाता है, वो गाड़ी में आता है। हाँ वो गाड़ी में ही आएगा। ये तंदूरी पिज़्ज़ा, ये मलाई है, ये तंदूरी है, तो 2 पिज़्ज़ा हैं। तो आज डिनर नहीं करेंगे, आज ये खाएंगे, हल्का हल्का खाएंगे। हल्का तो क्या, मतलब चार बंदों में है, पांच बंदे हो जाएंगे तो 5 बंदों में पूरा रहेगा, ठीक है? तो फिर सारे खाते हैं मिलके।